नमस्कार, मैं हूँ रीना यादव। आप देख रहे हैं NBTV। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मरकज की मस्जिद से निकले तबलीगी जमात के सदस्यों की देश के हर शहर में सरगर्मी से खोज की जा रही है। देश भर में निजामुद्दीन की मरकज मस्जिद से कल तक सरकारी तंत्रों ने कई लोगों को बाहर निकालकर क्वारंटाइन किया था। मध्य प्रदेश के कई शहरों में भी उक्त जमात के लोगों के होने की खबर के चलते शहर में भी मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में इनकी खोजबीन की जा रही थी। इसके चलते गुरुवार को सिवनी मालवा की मस्जिद और मदरसे की भी जांच की गई। मध्य प्रदेश में भी इस जमात के लोग होने की सूचना मिलते ही सभी थानों की पुलिस, खासकर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों की पुलिस और खुफिया तंत्र तुरंत सतर्क हुआ और शहर में ठहरने वाले तबलीगी जमात के सदस्यों की खोजबीन शुरू की गई। वहीं दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात में लगभग 2 से 3 महीने रहा युवक सिवनी मालवा के शिवपुर में वापस आ गया था, जिसे सिवनी मालवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां जिला चिकित्सालय से आई टीम ने उक्त युवक व उसके पिता का सैंपल कलेक्ट किया है। आपको बता दें कि टप्पा तहसील शिवपुर के 21 वर्षीय युवक और उसके पिता को कोरोना जांच के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिवनी मालवा लाया गया है। उक्त युवक 10 मार्च को ही दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से वापस आया है। युवक का कहना है कि वह 10 जनवरी को भोपाल एक्सप्रेस से दिल्ली गया था। लगभग 2 महीने रहने के बाद वह 10 मार्च को वापस आ गया था। अब तक ना तो उसे कोई बीमारी हुई है, ना ही कोई समस्या आई है। इस बीच उसमें कोरोना के कोई लक्षण नजर नहीं आए हैं। वहीं BMO डॉक्टर कांति बाथम ने बताया कि उक्त युवक शिवपुर का रहने वाला है। दिल्ली निजामुद्दीन से आने के बाद उसने खुद को घर पर क्वारंटाइन कर लिया था। इसे जांच के लिए सिवनी मालवा लाया गया है। वहीं जिले से आई टीम ने युवक व उसके पिता का सैंपल कलेक्ट कर लिया है। जब तक युवक व उसके पिता की जांच रिपोर्ट नहीं आती है, तब तक दोनों को क्वारंटाइन किया गया है। क्या नाम है आपका और कहां से हैं? मैं परवेज नाम है, मैं शिवपुर से हूं। क्या मामला है आज जो हुआ है कि जमात से जो लोग आए थे उनमें आपका नाम भी है, तो किस तरीके का ये पूरा घटनाक्रम है? कोई घटनाक्रम नहीं है। असली में निजामुद्दीन मरकज गया था 2 महीने की खिदमत करने, 10 जनवरी से लेकर 10 मार्च तक, और 10 मार्च की रात में मैं निजामुद्दीन मरकज से निकला और मैं अपने घर सेफ्टी से पहुंच गया हूं। मेरे को अभी जो है कल भी अस्पताल से गाड़ी आई थी, उन लोगों ने जांच करके गए, मैं नॉर्मल हूं, कोई दिक्कत नहीं। आज मेरे को मरकज से आए हुए 23 दिन हो गए, मेरे अंदर कोरोना वायरस का या दूसरे किसी बीमारी का कोई सिम्टम मौजूद नहीं है। क्या आपको लगता है इस प्रकार से जो सरकार जांचें वगैरह कर रही है ये ठीक है? हाँ, अगर सेफ्टी की बात करें तो सरकार के द्वारा की जाने वाली जांच और कोरोना वायरस को देखते हुए ये सारी चीज़ें हमको उपयोग करनी चाहिए, और इससे हमारी जान की और दूसरों की जान की फिक्र करने की बात है, इसलिए इन चीज़ों को हमारी ज़िंदगी में लाया जाना चाहिए। व्यक्ति आया है तो क्या मामला है और अभी की क्या प्रिकॉशन दी गई है? दिल्ली से जो एक व्यक्ति आए हुए हैं उनका कहना है कि वो 10 मार्च को शिवनी मालवा आ गए थे दिल्ली से, उसके बाद से वो अपने घर में क्वारंटाइन थे, लेकिन स्थिति को देखते हुए उनको अस्पताल बुलाया गया है और उनका सैंपल कलेक्शन का काम किया जा रहा है, और अभी उनके उनको और उनके पिताजी को दोनों को क्वारंटाइन करके अस्पताल में रखा है। वहाँ से उन्होंने वहाँ जो मस्कट है वहाँ का भी बतलाया था कि वहाँ गए थे, कितने लोगों से बतलाया है कि वहाँ पर भी गए थे और 40 दिन वो दिल्ली में रहे, वहाँ पर वो मस्जिदों में रहे, इस तरह की उनके द्वारा हिस्ट्री दी गई।